आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा भोलेनाथ की नगरी छोटी काशी गोला में महाशिवरात्रि की भव्य छटा देखने को मिली। पूरी काशी शिवमय हो गई। महाशिवरात्रि के महापर्व पर भगवान शिव की बारात निकली। इसमें शिव दूल्हा बने और रथ पर सवार थे। दूसरी तरफ बारात में शामिल भूत पिशाच दानव साधु सन्यासी का अद्भुत रूप शिव भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहा। संध्या काल में तीर्थ सरोवर पर हजारों दिए जलाए गए। परिसर झूम उठा और जगमगा उठा। रुद्राभिषेक कार्यक्रम में हजारों भक्तों ने भाग लिया। आरती के बाद सुबह 3:30 बजे के करीब मंदिर के पट खुले। सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन देखी गई। बारी बारी से बैरिकेटिंग के माध्यम से रोक रोक कर मंदिर में प्रवेश कराया गया। सुबह 8 बजे के बाद कुछ भीड़ में कमी आई। सुबह 10 बजे के बाद पुनः भीड़ लगने लगी। रात 9 बजे तक करीब 50,000 भक्तों ने दर्शन किए। दीपक जलने के बाद शिव मंदिर से भोलेनाथ की बारात निकाली गई। बारात नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर पहुंची। नगर में गाजे बाजे के साथ निकली बारात में शिव भक्त कलाकारों ने नर पिशाच प्रेत का रूप बनाकर झूमते नजर आए। वहीं नगर में कई स्थानों पर प्रसाद वितरण हुआ। शिवरात्रि में नीलकंठ मैदान, कंजा बाबा धाम, राम जानकी मंदिर में रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान नीलकंठ मैदान में 201 पार्थिव शिवलिंग बनाए गए थे, जिसमें हजारों भक्तों ने रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया था। नीलकंठ मैदान में पंडित रामदेव शास्त्री से सामूहिक रुद्राभिषेक के विषय में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि रुद्राभिषेक लगातार 9 वर्षों से निरंतर होता आ रहा है, जिसमें हजारों यजमान इस अनुष्ठान में हिस्सा लेते हैं। वहीं देवस्थान कंजावरम बाबा हनुमान मंदिर में स्थापित द्वादश ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक पूरी रात शिव भक्तों ने किया। इस दौरान पंडित करुणा शंकर अवस्थी ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करवाया। लखीमपुर खीरी से सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट। ये हमारे शास्त्री जी हैं, पंडित रामदेव जी। पंडित जी, महाशिवरात्रि के बारे में किसी को नंबर की सीरीज में कोई बात है तो तुरंत संपर्क करें। पिछले 9 साल से ये कार्यक्रम चलता चला आ रहा है और ये दसम महारुद्राभिषेक है। ये पहले जो IAS यहाँ प्रभु कुमार जी SDM हुआ करते थे, जो आज की डेट में पूर्वांचल के MP हैं विद्युत विभाग के, उन्हीं के द्वारा ये नींव रखी हुई है। सबसे पहले उन्होंने जो है 21 लोगों से केवल कराया और आज ये इतना बृहद स्तर ले चुका है कि हजारों की संख्या में एक साथ में लोग बैठ करके और रात्रि भर विधिवत भगवान शिव की पूजन किया था। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।